अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुदस्सिर नज़र। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? भाई साहब, आप सोच रहे होंगे आज ये जैकेट वैकेट पहन के तैयार व्यार होके कहाँ निकल रहे हो, तो भाई साहब मैं और मेरी बेगम यहाँ पे रेडी है, देखिए। तो हम दोनों बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हमारे साथ साथ जो है ना कुछ और लोग भी रेडी हैं, लेकिन वो अपने घर पर रेडी हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ से निकलना है, जाना है जाके केक लेना है, और केक लेने के बाद हम लोगों ने जाना है उनके साथ दावत पर। जहाज चल गया भाई हम लोगों का। चलें जी भाई साहब, हम लोग जो है ना उस्मानिया पहुंच गए हैं। अभी अभी पहुंचे हैं हम लोग। असल में आज सीन ये है कि जो अली है ना हमारा दोस्त, उसकी जो है वो कल थी बर्थडे, लेकिन कल वो जो है सारा दिन घर पे बिजी था। तो हमने उनसे कहा कि भाई आज हमें टाइम दे दो। तो आज हम लोग उस्मानिया आए अली भाई की सेलिब्रेशन करने के लिए, मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो केक निकालते हैं और फिर चलते हैं अंदर। भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी अली भाई की जो है बर्थडे है आज। आज अली भाई की जो है ना 45वीं बर्थडे है, मतलब कल गुजर गई है जो। कितने साल का हो गया भाई? 36। अली भी 34 साल का ही है। मतलब मैं तो अली से मुझसे 2 साल बड़ा है ना भाई। हैप्पी बर्थडे डियर अली। इनको खिलाओ, गुन्नू को खिलाओ। हैप्पी बर्थडे टू, 34 साल मुबारक हो। आज हमने मंगवाया है कश्मीरी कढ़ाई, अली का फेवरेट कबाब वाला सालन, चटपटा टिक्का और कचूमर। चलो निकालो, आप लोग खाओ। ये भाई ऑल टाइम फेवरेट कबाब आंडी। चलो भाई साहब, अली के बर्थडे की सेलिब्रेशन तो यहाँ पे ख़त्म होती है। अभी चलते हैं घर, इन लोगों को घर पे छोड़ना है और उसके बाद हमने अपने घर जाना है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से उस्मानिया से और अपने घर। आज वैसे गाड़ी में चला रहा हूँ आज, मेरे जो ना अली के साथ बैठ के हाईवे का टेस्ट भी हो रहा है, तो वो भी साथ साथ चल ही रहा है। चले भाई साहब, अली को मैंने अली के घर पे छोड़ दिया। असल में आज जो है ना अली का बर्थडे था, और पहले हम लोगों ने कभी ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया। थोड़ा बहुत बस जाके खाना वाना खा लेते थे, लेकिन ये कि इस मरतबा मैंने कहा क्यों ना जो है हम लोग अली भाई का बर्थडे जो है सेलिब्रेट करते हैं। आज माशाल्लाह जो है अली भाई 34 साल के हो गए। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी अता फरमाए और लंबी उम्र दे। मेरा और अली का जो ताल्लुक़ है ना भाई साहब, वो शुरू हुआ है कोई 2002 से, गालिबन 2003 से शुरू हुआ है, और आज जो है 2023 है, मतलब जो एक 15-20 दिन बाद 2023 आ जाएगा, तो लगभग कोई 20-22 साल का ताल्लुक़ है। और इस ताल्लुक़ में ना मतलब ऐसा है कि दोस्ती यारी में आपको पता है फिर नाराज़गियाँ भी होती हैं, मुख्तलिफ जो है लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन आज तक हम लोगों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अली अभी वीडियो उस तक देख रहा हो, लेकिन ये है कि जो अनकंडीशनल फ्रेंडशिप होती है ना, दोस्ती होती है, वो है। मैं भी कैमरा बंद कर देता हूँ वरना आगे कंडीशन लगी हुई है ट्रैफिक पुलिस वालों की। आपसे बाद में बात करता हूँ। अभी हम लोग पहुँचे हैं घर पे, अभी पहुँचे, और ये कि आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अली के साथ जो है ना, अली की फैमिली के साथ। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और आप लोग से मिलते हैं कल सुबह। आज भाई हम बिस्किट के साथ नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि कल जो है ना बहुत ज़्यादा खा लिया था मैंने। इन नजरात ने कुछ नहीं खाया, तो मुझे और अली को सारा ख़त्म करना पड़ा, तो इसलिए आज जो है वो हल्का फुल्का नाश्ता। यहाँ पे अम्मी, अब अम्मी की तबीयत ठीक हो गई है ना? हाँ माशाल्लाह बेटा, आप लोग ठीक हो, सबको दुआ मेरी सलाम, अल्लाह खुश रखे, मैं ठीक हो गई आप लोगों की दुआ से। जी भाई साहब, तो जो है ना फाइनली हमारे घर का जो कलर है वो कम्प्लीट हो गया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अली के भी मैसेजेस जो है ना भेजना शुरू हो गए। ये ना हमने कंट्रास्ट वगैरह करवाया, बहुत धूप है, तो कलर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। कलर करने से ना एक फ़ायदा ये हो गया, ऐसा लग रहा है कि छत जो है ना बड़ी बड़ी हो गई। ये
ऐसा लग रहा है शायद बड़ी बड़ी होगी। अच्छा अब्बू ने एक और काम करा है, अब्बू ने ये देखे, ये अब्बू ने ये बनवाए, ये असल में इस टाइप के इस तरीके से ये था ना निकले हुए थे सरिए, तो अब्बू ने इसको और ऊंचा करवा दिया होकर के, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है। अब इसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि पीछे किसी का प्लॉट है, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो वो लोग शोर करेंगे। कल भाई क्या हुआ, बल्कि परसों क्या हुआ, ये SSD जो है वो इसके अंदर लगी हुई थी मैक मिनी के अंदर, ठीक है, तो ये SSD जो है ना फड़क गई है। अब इसके अंदर सारा डेटा जो मेरा था वो भी गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जो हमारा डेटा था ना दिसंबर का, वो सारा इसके अंदर था, वो सारा चला गया, बकाया सारा तो मैंने जो है वो रिकवर कर लिया किसी तरीके से। अभी मैंने किंगडेन वालों से बात की अली एक्सप्रेस पे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें सजेस्ट की हैं, वो करता हूँ, देखते हैं होती है कि नहीं, अगर नहीं चली तो नहीं खरीदनी पड़ेगी, अभी बिला हो जाएगा खर्चा। चले भाई, अली एक्सप्रेस के वेंडर से मैंने बात कर ली है, उसने कहा है कि जो है ना मुझे वीडियो बना के भेजो, अभी मैं बैठ के वीडियो ही बना रहा था और मैंने कंप्लीट इसकी वीडियो बनाई है, जो उसने मेथड्स बताए थे वो सारे ट्राई कर लिए, लेकिन जो है ना कुछ भी नहीं हुआ, तो होपफुली वो वीडियो देख के समझ जाएगा और जो है ना हमें एक रिप्लेसमेंट भेज देगा। अगर नहीं भेजी भाई तो फिर 10-15 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये का खर्चा है, और वो भी करना लाजमी है क्योंकि एडिटिंग वगैरह सारी जो है मैक मिनी के ऊपर होती है और मैक मिनी की अपनी हार्ड ड्राइव जो है वो बहुत कम है, तो सानिया को और हम मुझे जो है बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फिर वरना दोबारा ख़रीदनी पड़ेगी। ये वैसे पहला वेंडर मैंने देखा है अली एक्सप्रेस का, मतलब चाइना का, जो कि इंग्लिश इतनी अच्छी बोल लेता है, मतलब हम तो खैर वैसे ही चलाते हैं काम, लेकिन हमारी इंग्लिश फिर भी अच्छी होती है भाई, चाइनीज़ की बिल्कुल ही बुरी होती है। एक मरतबा मुझे अभी तक याद है, एक मरतबा क्या हुआ कि शायद मैंने आप लोगों को पहले बताया, ये मैंने जो है ना कोई पार्सल ऑर्डर किया अली एक्सप्रेस से, तो उस वक्त भी ना ये टैक्स वगैरह का मामला बहुत पाकिस्तान में चल पड़ा था, तो मैंने उसको कहा कि यार, मैंने उसको लिख के भेजा पूरा सेंटेंस कि यार आप जो है ना मुझे ये आइटम जो है एज अ गिफ्ट भेजिएगा और जो प्राइस होगी वो पैकेज के ऊपर लिखिएगा मत, जो पैकेज होता है ना पार्सल का उसके ऊपर लिखना मत, अगर लिखो भी तो कम लिख देना, $2-3 लिख देना, और वो आइटम जो था वो था कोई $150 के करीब था। तो उसने क्या किया, जो मेरा पूरा सेंटेंस था ना वो सारा उठाया और उसके ऊपर चिपका उस रैपर के ऊपर चिपकाया, उसे प्रिंट करके और सेम टू सेम प्राइस बना के भेज दिया भाई, उसने पकड़ लिया कस्टम वालों ने। कस्टम में जब गया मैंने कहा यार मेरा तो आइटम भाई, अब हम तो चौड़े हो गए आए ना ऊपर से कि भाई हमने तो बोला हुआ बस चाइनीज़ को, इन्होंने यहीं भी फजूल में पकड़ लिया। हमने जाके उनको बोला भाई ये क्या मुसीबत है यार, हमने पार्सल मंगाया गिफ्ट और $2-3 का आइटम है, आपने उसके ऊपर उठा के 5-6 हज़ार का टैक्स लगा दिया यार, ये क्या बात होती है। तो उन्होंने कहा बेटा रुक जाओ, ज़रा रुको, ज़रा सब्र करो, ये जो तुम होशियारियाँ कर रहे थे ना ये देखो, ये उसे लिख के भेजा। तो इस टाइप का वेंडर है ये, लेकिन अच्छा वेंडर है, ये इंग्लिश बोल लेता है। अब आप दुआ करेंगे हमें जो है ना रिप्लेसमेंट मिल जाए वरना फजूल का खर्चा। कल भाई साहब फाइनली जो है वो हमने अपनी बेगम को ड्यूट के झूले भी दे दिए और उस्मानिया ले गया भाई, उस्मानिया में जाके खाना वाना इनको खिलाया। मैं बता रहा हूँ कि मैं तुम लोगों की कितनी केयर करता हूँ। बेगम मैंने तुम्हारे साथ एक चाल चली है, आई एम सॉरी। असल में देखो हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं ना, तो फिर इस टाइप का झूठ हम बोल नहीं सकते। तो मैं तुम्हें देखो मैं बता रहा हूँ, ये सबसे बड़ी ऑनेस्टी होती है। हम देखो तुम्हें भी हम ले गए, अली भी अपनी घर वाली को ले गए। वजह क्या, आज हमारी गाड़ी आनी है ले आना। हाँ, तो टेस्ट के लिए जानी है, टेस्ट करना है ना हमने, टेस्ट तो बगैर टेस्ट की गाड़ी रह सकती है भाई। कराची के आधे से ज्यादा रोड आपको पता है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उधर गाड़ी स्पीड में भाग नहीं सकती। तो हैदराबाद जाना था, हमने कहा अब हैदराबाद जाएंगे, फिर ये दोनों बोलेंगे गाड़ी खाली जा रही है, यूं था तो फलाना था ढमका था, तो फिर जो है ना उन्होंने पता चल गया। क्या पता लग गया, वो अली की वाइफ कह रही थी कि हमने जाना है संडे वाले दिन। भाभी ने लगता है भाभी आपने कोई ख्वाब वाब देख लिया क्या कर लिया भाई अभी जो है अली से बात हुई है, अली ने कहा है कि जो है ना गाड़ी लेनी है आज, तो अभी प्लान कर रहे हैं जाएंगे कैसे, क्योंकि मुझे तो चलाना आती नहीं है, तो अली को यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर यहाँ से हम लोग ऊबर करके जाएंगे, अगर ड्यूट पे जाएंगे फिर ड्यूट लेके आनी पड़ेगी, बड़े खर्चा हो जाएगा, तो यहाँ से जो हम लोग जाएंगे ऊबर में, वहाँ से गाड़ी लेंगे और इधर लेकर आएंगे, ये सीन। मेरी असल में जैकेट मैंने ऑर्डर की थी, मेरी जैकेटें पुरानी हो गई हैं सारी, बेगम लेके नहीं देती, तो अभी आई हुई तो मैं एक्साइटेड हूँ। 8,000 की जैकेट मैंने खुद नहीं पहनी, मैंने आपको लेके दी। हाँ 8,000 की जो सही यार, मैं बड़ा एक्साइटेड था इसके लिए। और बेगम भी पकड़ो, इनबॉक्स करते हैं। इतनी खुशी अच्छी नहीं होती फराज,
फराज नहीं हूँ मैं। ये देखो ये क्या खलाल बेचारे, जूसर मशीन रखने की जगह है कोई? चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ते ताकि चीज सही आए। I think normal. दिखाओ ना इनको। अच्छी है। ये देखिए भाई साहब ये जैकेट। ये प्लीज है। फिटेड वालों की ब्रांड है। आप प्रमोट क्यों कर रहे हो? प्रमोट करना ना बेचारे, अभी नया नया शुरू किया, अभी नया नया उन्होंने शुरू किया, अब हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, हम ही सपोर्ट कर लेते। ये भाई साहब हमारी जैकेट, ये देखिए आप। अच्छी लग रही है। टिच बटन पहन के देखते हैं कैसी। अच्छी लग रही है, देखने में तो अच्छी लग रही है, और साइज भी अच्छा है। अच्छा दी वाह। हैं? हां देखता हूं। नाइस। ये नीचे से फिटिंग वाली इस फर्स्ट टाइम आपने ली है ना? आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। तो वैसा भी ये थी हमारी आज की वीडियो, अभी मैं यहाँ पे वीडियो का एंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है वो फाइवर पे कुछ ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद निकलना है हमने गाड़ी लेने के लिए जो कि आप अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की जो है भाई को फिलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। तो ये एक कमेंट में जो है अली भाई को भी विश करना है आपने हैप्पी बर्थडे का, और उनके लिए जो है दुआएँ करनी है, बहुत अच्छा दोस्त है भाई है अपना। और ये कि आपसे मिलते हैं कल इंशाल्लाह। दुआ में अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।